नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो F1S, और ये हमारा ये देखिए इसका कॉम्बो डैमेज हो गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ बताएंगे कि आप अपने ओप्पो F1S का कॉम्बो किस प्रकार से रिप्लेस करें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दी और वो आपसे मिस हो गई तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जा रहा है। लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपके अकाउंट के अंदर तुरंत ही 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश आपको प्राप्त हो जाएगा। आज हमारे पास ओप्पो F1S है और इसकी हम कॉम्बो किस प्रकार से रिप्लेस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी सिम ट्रे को रिमूव कर लेना है। हम ये पिन के माध्यम से हमारी सिम ट्रे को रिमूव कर लेते हैं। हमने सिम ट्रे को रिमूव कर लिया और हम इसको साइड में रख लेते हैं। सिम ट्रे को रिमूव करने के बाद में देखिए दोस्तों, सभी लोग क्या गलती करते हैं, ये मोबाइल को इस प्रकार से हमें नेल्स को अनलॉक करना होता है। तो देखिए अनलॉक हम कर लेते हैं, लेकिन इस मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारा। हमें इसको अनलॉक कर लेना है इस प्रकार से। स्विच ऑफ हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमारा ये पूरा डैमेज है। ये देखिए हमारा यहाँ तक तो खुल जाएगा, लेकिन हमारा ये नहीं खुलेगा। तो हमें यहाँ से हमारा ये इसको उतारना है। हम इसको बॉटम सेक्शन के ये अनलॉक करेंगे, इसको इस प्रकार से हमें अनलॉक करना है। और देखिए ये बॉटम सेक्शन में जो हमारे स्क्रू हैं, ये हमें इसको सारे के सारे को ओपन कर लेने। अब स्क्रू को हम रिमूव करने से पहले हम आपको बता दें, एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी स्क्रू ओपन करें वो हमारे मैग्नेट के लगा सकें, ताकि हमारे कोई भी स्क्रू मिस ना हो। हम वन बाय वन करके सारे स्क्रू हमारे ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सारे स्क्रू ओपन कर लिए। अब हम इसको अलग रख लेते हैं और हमारा ये बोन को हम ईजिली रिमूव कर पाएंगे। ये देखिए हमारा ईजिली रिमूव हो गया। अब हमें ये देखिए, हमने इसका बैक कवर को रिमूव कर लिया। अब हमें टॉप सेक्शन का रिप्लेस करना है, तो हमें ये टॉप सेक्शन का मदरबोर्ड को हमारे बाहर निकालना है। इसके लिए हम वही चीज़ अपनाएंगे, हमारे मदरबोर्ड के जितने भी स्क्रू ओपन करेंगे वो मैग्नेट के लगाएंगे, ताकि हम कोई भी स्क्रू मिस ना करें। हमें ये वन बाई वन करके सारे स्क्रू हमें ओपन कर लेने। अब देखिए दोस्तों, हमने सारे स्क्रू ओपन कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमारे मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है। हमें ये डिस्प्ले सेक्शन का ये रिमूव करना है। ये हमें बहुत ही केयरफुली करना है, संभाल के रखना हमें ये इसी प्रकार से हमें टच सेक्शन का हमें रिमूव कर लेना है। टच सेक्शन का भी हम अलग रख लेते हैं और इसी प्रकार से हमारा ये चार्जिंग स्ट्रिप वगैरह का हमारा को ये रिमूव कर लेना है। ये भी हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है और ये हम इसको अलग रख लेते हैं। हमारा ये स्ट्रिप को हम रिमूव करेंगे, इस स्ट्रिप को रिमूव करेंगे, डिस्प्ले सेक्शन को रिमूव करेंगे, टच सेक्शन को रिमूव करेंगे और हमारा ये एंटीना को रिमूव करेंगे और हमारी ये बैटरी कनेक्टर को हम रिमूव करेंगे। ये रिमूव करने के बाद में हमें यहाँ से ये इसको मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, और ये हमने हमारा मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने। हमने इसको रिमूव कर लिया, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमें इसको कॉम्बो को बाहर निकालने के लिए हमें SMD का इस्तेमाल करना होगा। SMD की सहायता से हम इसको हिट कर इसको बाहर निकालेंगे। चुका है, हम इसको निकालते हैं हमारी टच सेक्शन को बचाते हुए। ये देखिए, ये हमारा डिफेक्टिव कॉम्बो हमने रिमूव कर लिया। ये देखिए, और ये हमारा बैटरी और इसका हमारा फ्रेम आ गया, ये हमने रिमूव कर लिया। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारे कॉम्बो रिप्लेस करने से पहले हमें यहाँ से ये इसको हमारे निकाल लेना है, ताकि हमारी स्पीकर की जो वॉइस है वो क्लियर आए और हमारे जो डिस्टर्बेंस में कोई भी ना रहे। तो ये देखिए, हमने ये रिमूव कर लिया
और हम इसको क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद में हम इसमें नया वो लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें हमारा नया कॉम्बो लेंगे। ये हमने नया कॉम्बो ले लिया, ये देखिए, और अब हम इसमें नया कॉम्बो लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस कॉम्बो को फिक्स करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी, B7000। इस B7000 से हम इसको फिक्स करेंगे। उसको फिक्स करने से पहले हमें यहाँ से हमारे जितने भी ये हमारा वेस्ट है ये इसको हमें रिमूव कर लेना है, ताकि हमारा जो कॉम्बो है ईजिली हमारा चिपक सके और हमारे किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। तो देखिए ये हमें सारा का सारा हमें ये रिमूव कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये रिमूव करने के बाद में हमें हमारा ये इसके ऊपर लगा देना है वॉइस वाला। पर फिक्स कर देना। और अब हमें हमारा ये B7000 है जिसको हम फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉम्बो को चिपकाने के लिए। ये हम इसके साइड साइड में सात चार ओवर हम इसमें लगाएंगे, ताकि हमारा कॉम्बो इजीली हमारा चिपक सके। हम इस B7000 पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे इसको चिपकाने के लिए। तो हमें ये कॉर्नर में हमें ये इसका इस्तेमाल करना है। ये हमारा कॉम्बो को फिक्स करने में हमारी मदद करता है। ये देखिए दोस्तों, हमें ये फिक्स करने के बाद में हमें ये इसका B7000 लगाने के बाद में अब हमें हमारा कॉम्बो इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो कॉम्बो हम किस प्रकार से लगाएंगे, ये देखिए हमारा ये इस प्रकार से हम रखेंगे, और हमारी ये डिस्प्ले कनेक्टर को हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, और हमारा डिस्प्ले कनेक्टर हम इसमें से निकालेंगे, और हमारा टच कनेक्टर हम टॉप में से निकालेंगे, और इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे इस प्रकार से, और बिल्कुल इसको टॉप में एडजस्ट कर हमारा ये वॉल्यूम बटन मिलाकर मेनू बटन मिलाकर इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे। जैसे हम ये एडजस्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, तो देखिए हमें इस प्रकार से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना, ताकि हमारा ये मदरबोर्ड में बिल्कुल से सेट हो जाए और हमारा जो ये कॉम्बो हमने जो लगाया है ये हमारा फिक्स हो सके। ये देखिए हमें इस प्रकार से इसके अंदर लगा देना है कॉम्बो को, और हमें इस प्रकार से फिक्स कर देना है। अब देखिए हमें हमारा मदरबोर्ड ले लेना है। मदरबोर्ड हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। मदरबोर्ड के लिए हम इसके अंदर ईजीली हमारी सारी फ्लेक्स को ऊपर करते हुए टच की फ्लेक्स को भी हटाते हुए और इजीली हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, ये लगाने के बाद में हमें हमारा कैमरा सेक्शन को लगाकर हमें ये सारी की सारी स्ट्रिप वन बाय वन करके हमें इसके अंदर लगा देनी है। डिस्प्ले कनेक्टर भी लगा देना हमें ये। टच का भी हमें लगा देना ये स्ट्रिप। और हमें ये बैटरी कनेक्टर भी हमें लगा देना है, और हमें ये हमारा एंटीना वायर को भी हमें इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। एंटीना वायर इंसर्ट करने के बाद में देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारे वन बाय वन करके हमें ये इसके अंदर दोबारा से फिक्स कर देना है, ताकि हमारे मोबाइल के अंदर किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं रहे। हमने जो स्क्रू लिए थे वो स्क्रू हम दोबारा से इसके अंदर सारे के सारे वन बाय वन करके लगा देते हैं। ये देखिए,
ये देखिए दोस्तों, हमने ये सारे के सारे लगा दिए। अब हम हमारा ये लेते हैं, बैक बोन लेते हैं इसका, बैक कवर, और बैक कवर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं हम। कार से रिमूव कर लेना है और हमारा इसको फिक्स करना है हमारे इसके अंदर। और हमारा इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये लग चुका है। और अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं हमारे मोबाइल को। ये हमने मोबाइल को ऑन कर दिया और ये देखिए हमारे सामने ओप्पो लिखा हुआ आ रहा है। और अब हम चेक करते हैं, देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो गया और ये देखिए हमारा वर्किंग में है पूरा का पूरा मोबाइल। ये देखिए दोस्तों, हमारा सब कुछ वर्किंग में है, मोबाइल पूरा हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैसेज में और चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारा प्रॉपर वे में वर्किंग में है हमारा मोबाइल। हम नया मैसेज करते हैं, ये देखिए हमारा सारा का सारा प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है मोबाइल। हम आपको चेक करा देते हैं मॉडल कौन सा हमारा। हम इसके बाहर निकल जाते हैं, हम इसकी सेटिंग में आते हैं। इसकी सेटिंग्स में आते हैं हम, इसका हम थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं। ये देखिए हम इसकी सेटिंग्स में आ गए। नीचे आते हैं हम, अबाउट फोन में आते हैं और ये देखिए हमारा मॉडल है ओप्पो F1S। ये देखिए दोस्तों ओप्पो F1S, ये देखिए। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने हमारे ओप्पो F1S का कॉम्बो इजीली रिप्लेस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना